जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, चलते चलते मैं एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 10 जनवरी है, रात के करीबन 11 बजने को आ रहे हैं, यानी 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक संचार बंदी है, यानी सिर्फ एसेंशियल सर्विस के लोग ही ट्रैवल कर पाएंगे, उसके अलावा आम लोग नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि जो दुकानों की जो दुकान वगैरह खोलने का जो समय था वो 10 बजे तक था, और मैंने देखा कि धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं दुकानें जो है बंद हो रही है, और आज पहला दिन है। ये लॉकडाउन नहीं है, लेकिन नाइट लॉकडाउन मैं इसको ज़रूर कहूँगा, क्योंकि रात के 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक आप जो है जिस तरह से दिन में सफ़र कर पाते हैं वैसे नहीं कर पाएंगे, और अभी जो सफ़र करेंगे वो एसेंशियल सर्विस या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा तो ही सफ़र कर पाएंगे। जैसा देख रहे हैं आपकी रोड भी जो है थोड़ा धीरे धीरे जो है खाली हो रहा है, सूना हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस बात का शुक्र है कि ये जो संचार बंदी है, ये लॉकडाउन जो है, ये दिन के टाइम पे सरकार ने नहीं लगाया, और इसको लेकर के सरकार का आम लोग जो है शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने ये कहा कि रात में चलो 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक अगर लॉकडाउन जैसा भी सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दिन में ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो है इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा, ख़ास करके उन लोगों पे जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं। और क्योंकि 2 साल से लोग जो है लॉकडाउन की मार झेल ही रहे हैं, कभी चालू होता है कभी बंद होता है, फर्स्ट वेव आया, सेकेंड वेव आया, थर्ड वेव आया। लेकिन अगर मैं आपको थर्ड वेव जो ये जो चल रहा है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव भी हो रहे हैं वो ज़्यादातर होम आइसोलेशन में है, यानी घर से ही ठीक हो रहे हैं, घर में ही होम आइसोलेशन में हैं और ट्रीटमेंट करा करके ठीक हो रहे हैं। तो यानी कोविड केयर सेंटर पे भी ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत कम लोग हैं। और ये मैं सिर्फ आपको मीरा भाईंदर का नहीं, करीब करीब हर स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इन सब पे स्टडी करके आपको ये एक पूरा निचोड़ दे रहा हूँ कि ये जो वेव है इससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आप सोचिए कि 7 लाख के आसपास का पूरे देश में केस हो जाना और किसी तरह का जो है इमरजेंसी नहीं होना, यानी इमरजेंसी बोलो तो ऑक्सीजन, बेड, आईसीयू, ये सब का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो हर स्टेट की सरकार, जैसा दिल्ली स्टेट की सरकार ने भी कहा कि हम लॉकडाउन जो है लगाना नहीं चाहते हैं, तो मिनी लॉकडाउन वहाँ ज़रूर लगाया गया। हालांकि उसको लेकर के कुछ लोगों में ये कन्फ्यूज़न था कि कहीं दिल्ली में जो मिनी लॉकडाउन लगा है तो कहीं महाराष्ट्र में भी तो ऐसा नहीं होगा ना कि सैटरडे संडे बंद रहेगा। तो दोस्तों, अभी तक महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है। इवन महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो लॉकडाउन लगाने के पक्ष में ही नहीं है। आज अगर आज की बात करूं मैं तो कल तक का ये आंकड़ा था कि अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 20,000 तक के आसपास के कोरोना पॉजिटिव आए गए थे, ओमिक्रॉन और कोरोना पॉजिटिव अगर दोनों को लगा करके। लेकिन आज का आंकड़ा कम रहा, आज का आंकड़ा करीबन 13,000 के आसपास रहा। अगर आज की मैं बात करूं दोस्तों तो आज जो है करीबन 13,000 के आसपास जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज जो रिकवरी हुई है, आज जो कोरोना पॉजिटिव से रिकवरी हुई है वो करीबन 27,000 लोगों के, यानी एक दिन में 27,000 लोग ठीक हुए, तो ये एक बड़ी बात है। लॉकडाउन को हमने भी और आपने भी बहुत करीब से देखा है। ऐसा कोई मुझे जो है ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी इंसान जो लॉकडाउन से परेशान ना हो ऐसा नहीं दिखा, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हो, छोटे बिजनेसमैन हो,
रिक्शा चलाने वाले हों, डेली काम करने वाले हों, बिजनेस करने वाले हों, लॉकडाउन का असर हर किसी पे पड़ा है। और अब जो है, मैं अगर एक और बात कहूँ कि जो आम लोग हैं, आम लोग खुद भी जागरूकता दिखा रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने बोला कि अगर लॉकडाउन नहीं चाहिए तो आप जो है मास्क पहनिए, नियम का पालन कीजिए। तो मैं जब निकलता हूँ रोड पे, तो मैं लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो मास्क पहनते हैं ताकीद करके। हालांकि कुछ लोग तो कोरोना काल में भी नहीं पहनते थे, जब पिक पावर में था तब भी नहीं पहनते थे, लेकिन उन पर फ़ाइन वगैरह मारा जाता था। तो आज भी वही सिचुएशन है कि कुछ लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते। अभी कोरोना की बात अगर करूँ मीरा भाईंदर की, तो मीरा भाईंदर के आयुक्त सदानंद दाते, वो खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। और मीरा भाईंदर, पूरे मीरा भाईंदर वसई विरार की बात, मीरा भाईंदर की बात करूँ तो मीरा भाईंदर में ऐसा बताया जा रहा है कि 40 से 50 के लगभग जो है ऑफिशियल स्टाफ यानी पुलिस के स्टाफ जो है कोरोना पॉजिटिव है, जिसकी वजह से जो है जो रोड पे है वो पुलिस की संख्या बल कम दिख रही है, बैरिगेडिंग में भी संख्या बल कम दिख रही है। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि भले ही पुलिस कम दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है, आम लोग को देखिए, सरकार का आदेश है और आम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यानी पुलिस को बहुत ज़्यादा सख्ती करने की भी ज़रूरत नहीं। और हम भी आपसे अपील करेंगे कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो है कोरोना पॉजिटिव है, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और अगर पुलिस जो है, पुलिस खुद बीमार होगी तो लॉ एंड ऑर्डर में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पुलिस की संख्या बल इस वजह से कम दिख रही है, लेकिन लोगों का जो कॉपरेशन है, लोगों का जो सपोर्ट है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, आज से जब तक नया आदेश नहीं आ जाता है, तब तक कहीं ना कहीं 11 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक संचार बंदी रहेगा। दुकानों को 10 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे दुकान वाले जो है 10 बजे के आसपास से जो है दुकान अपना बंद करना शुरू कर रहे हैं। जैसे मैं ये एक चेक पॉइंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे भी पुलिस की संख्या बल नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है कायदे का पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों, भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड ना करे कि दिन में लॉकडाउन जैसा सिचुएशन आए और जल्दी से जल्दी जो है ये पूरा कोरोना जो है पूरी तरह से रिकवर हो जाए, शून्य हो जाए, सब लोग हेल्दी हो जाए, सुखी हो जाए, और सब लोग अपना काम धंधा पूरी अच्छे से कर सके, खुशियां मना सके, यही हमारी दुआ है। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।